लोहा व्यापारी प्रदीप कालरा का है, जिन्होंने गोली मार का खुदकुशी करी। आरोप है कि प्रदीप कालरा के बड़े बेटे की पत्नी और उसके मायके वालों ने संपत्ति हड़पने की नीयत से साजिश रचकर उन्हें इस कदर परेशान किया कि जिसके चलते उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। कालरा ने मौत से पहले बनाए गए वीडियो में पूरे मामले का जिक्र किया है। मैं प्रदीप कालरा अपना बयान देके जा रहा हूँ। मैंने अपने बड़े लड़के की शादी नागपाल परिवार से की, जो एक धोखा था। इससे शादी करके हमारे पूरे घर को बर्बाद तहश नहश कर दिया है। शादी इससे को धोखे से इसलिए की है कि हमारी कुछ जमीन जायदाद सब हड़पने के चक्कर में की है। इस फ्रॉडी आदमी को पूरा फरीदाबाद जानता है, एक फ्रॉडी आदमी है। लड़के की इच्छा के आगे मैंने घुटने टेक दिए और उससे शादी कर ली, जब तक हमें नहीं पता था। शादी होने के फौरन बाद इतने गलत तरीके से अडॉप्शन, घर में आतंक मचाना, छोटे बच्चों पर जुल्म करना, लड़की को समझाना कि दूध निकलाना, किसी कोई बात नहीं सुनना और हर टाइम हमें धमकियां कि लड़की वाले हमें पावरफुल है और हम तुम्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे, नहीं तो मेरे नाम प्रॉपर्टी है करो, मैं तो पुलिस फंसा दूंगी। हम इनको सह रहे हैं अभी तक और ये हमें तंग किए जा रहे हैं। प्रदीप कालरा की खुदकुशी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। इसी दौरान उसे मौके से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें कालरा ने अपने संगी, बहू और एक अन्य नाम का जिक्र करते हुए उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। आसपास